अब हम लोग आ गए हैं राजा मान सिंह के महल, यहाँ पे राम जानकी मंदिर और यहीं पे तालाब है। अब हम यहाँ पे बारे कुछ खाए पिएंगे और फिर आपको दिखाएंगे यहाँ का सुंदर सुंदर नजारा। ये देखिए तालाब है सामने का और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बैठ के हम लोग सिंघाड़े खा रहे हैं राजा मान सिंह के महल के पास। और ये देखिए यहाँ पे सिंघाड़े कैसे देते हैं, आप देखिए बिना छिले देते हैं, हमारे यहाँ तो छील कर देते हैं। ये देखिए छील के खाने पड़ेंगे पूरे। और अभी मैंने खाने स्टार्ट करे, कैसे लग रहे हैं यहाँ के सिंघाड़े खाने में? अच्छे, देसी सिंघाड़े। देसी सिंघाड़े इसीलिए इनके जो चटनी का हाल हो गया, चटनी का हाल देखिए कैसे हो गया, चारों तरफ फैल गई चटनी यहाँ पे। ये देखो अब हम लोग आ चुके हैं राम जानकी तीर्थ सागर में। यहाँ पे देखिए ये तालाब है, हम लोग नीचे खड़े हैं और देखिए सामने ये जो दिख रहा है राजा मान सिंह का महल है, अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर राजा मान सिंह। ये है पीछे वाला, हाँ दिख रहा। ये देखो कैसा लग रहा है आपको? रही बहुत अच्छा रहा, बढ़िया एक्सपीरियंस है। कोठी तीर्थ जलाशय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर में पाए जाने वाले जितने भी चर्म रोग है वो ठीक हो जाते हैं। इस तालाब के चारों तरफ देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे, जो कालांतर में इन्हें चूने के पलस्तर द्वारा ढक दिया गया है। कलिंजर किले के जितने भी तालाब है उन सभी तालाबों में गर्मी तक में भी पानी रहता है, यहाँ पानी हमेशा रहता है। यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर देखते क्या है, आपको दिखाते हैं। अब हम इसके सहारे ऊपर जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि कितने अच्छे से जॉइंट करके चट्टानों को काट काट के ये सब बनाए जाते थे। आज के ज़माने की सीमेंट की आप देख लीजिए, ज़रा देर में ही कुछ ही वर्षों में मकान ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उस प्राचीन ज़माने की सीमेंट बनाने की जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी उससे द्वारा बनाई गई चीज़ें आज भी वैसी की वैसी बने हुई हैं और ये कई हज़ारों साल तक ऐसे बने रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी जगह बनाई गई है, इसके सहायता से हम तालाब के चारों ओर का नज़ारा बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाद अभी हम लोग इसके लोग हाँ राजा अमान सिंह के महल जाएंगे और फिर और भी चीज़ें घुमाएंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा है भाई, एक दिन में आप इसको नहीं घूम सकते, बहुत बड़ा किला है। खैर चलिए कोई बात नहीं, फिर भी घुमाने की कोशिश करेंगे, जितना भी आपको घुमा सकते हैं घुमाएंगे। यहाँ पर पहले कभी प्राचीन मंदिर हुआ करती होगी, इसके अवशेष अब यहाँ पर बचे हुए हैं जो टूटे हुए पड़े हैं। अब रही भैया की एंट्री राजा अमान सिंह के महल में हो चुकी है, अब रही भैया बताएंगे राजा अमान सिंह के महल के बारे में। राजा अमान सिंह का महल, इसका महल है राजा अमान सिंह का महल। अच्छा, ये राजा अमान सिंह के महल के चारों तरफ का बरामदा है, जिसके चारों ओर कुछ दीवारें अभी भी अच्छी हैं और कुछ टूट चुकी हैं। यह महल सभी महलों से सबसे अच्छा है। अब राजा अमान सिंह के महल के पीछे जा रहे हैं और राजा फिलहाल वर्तमान समय में राजा अमान सिंह महल को ही कलिंजर का म्यूजियम बना दिया गया। यहाँ से जितनी भी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं सब यहीं पर रख दी जाती हैं, इसलिए ये लॉक है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है और चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी और सामने पहाड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग गंगधारा की ओर जा रहे हैं आगे, अभी हम लोग ने अमान सिंह का महल घूमा था, अब इसके बाद अब हम लोग गंगधारा की ओर जाएंगे आगे। तो चलिए भैया भी हमारे साथ आ चुके हैं, तो चलिए भैया अब इस भाई के साथ यात्रा करने में और आनंद आएगा, अभी हम लोग दो थे अब सिर्फ तीन हो गए। आज तक हमने मृग धारा के बारे में सुना था कि यह एक ऐसी रहस्यमय धारा है जो पर्वतों के बीच में से होकर निकलती है, पर यह कहां से निकलती है और कैसे निकलती है इसके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। अब हम आ चुके हैं मृग धारा, यहां पर मृग धारा के बारे में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। एक रोचक पौराणिक कथा के अनुसार कुशिक ने अपने पुत्रों को उनके आचरण से क्रोधित होकर घर से निकाल दिया था। इसी स्थान पर कई सारे मृग यानी हिरण के चित्र बने हुए हैं, उनका संबंध इन्हीं पुत्रों से किया जाता है। ये चित्र अभी आप आगे देखिएगा, ये मृग धारा के पास बने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर है, उस प्राचीन जमाने में बनाए गए थे। पहाड़ों के बीच बनी सीढ़ियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी चट्टाने हमें सामने दिख रही हैं और सामने खाई दिखाई दे रही है जो बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ पर पहले काफ़ी लोगों की मौत हो जाया करती थी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गिरने के चांस होते थे और पानी की वजह से लोग फिसल जाया करते थे, पर अब यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है जो बहुत ही अच्छा हुआ है।
अब यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता जा रहा है। अब पहाड़ों पर यहाँ पर बिल्कुल पतली ही पतली सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पर बहुत संभल कर उतरना पड़ता है। यहाँ से सामने का व्यू देख के ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो, क्योंकि ऐसा नज़ारा बहुत ही कम जगहों पर मिलता है। अब रही भैया बिल्कुल संभल संभल कर सीढ़ियों पर पैर रख कर आ रहे हैं। अब जस्ट बगल में ही मृग धारा के बगल में हम खड़े हुए हैं। अब हम आ चुके हैं मृग धारा में। आज तक मैंने कहा था नाम सुना था, आज पहली बार नहीं किया मृग धारा। भैया यहाँ पे कितने सारे सीरियल भी बने हुए हैं, इसीलिए मृग धारा कहा जा रहा है। यहाँ पे गुप्त रूप से धारा निकल रही है, पता नहीं कहाँ से पहाड़ के बीच से आ रही है। कैसा है पानी पीकर? देखो इसमें पानी बहुत अच्छा लग रहा है, साफ है। पानी पीने बहुत ही शीतल पानी है, शीतल जल और एकदम साफ है, ऐसा भी नहीं है कि गंदा। ये पानी पता नहीं चलता कहाँ से आ रहा है जल। ये देखिए पूरा जल आप देख सकते हैं, अंदर से मैं दिखा दे रहा हूँ। और बिल्कुल शीतल जल है और एकदम अंदर साफ करते हैं, आपको देखने से लग रहा होगा गंदा पर, लेकिन आप देखिए एकदम साफ है, एकदम पूरा साफ है। ये गंदा का पानी और ये देखिए यहाँ पर तीन रंग बने हुए हैं। हाँ बने हुए हैं। यह प्रकृति के अद्भुत नजारे जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी दूर कराए से नहीं सुल जाता है। रास्ता आप धीरे करीब उसे दूर से आ रहा है। यहाँ पर सुंदर सुंदर मृग यानी हिरण के चित्र बने होने के कारण इसका नाम मृग धारा पड़ गया। और यहाँ पर हमेशा स्वच्छ व ताज़ा जल बहता रहता है। यहाँ पर रही भैया को बहुत अच्छा लग रहा है सामने का नज़ारा देखकर, बार बार वो दिखा रहे करे, देखो कितना प्यारा सुंदर नज़ारा। मृग धारा के ऊपर ही 17वीं से 18वीं शताब्दी में गुम्बद कच्छ का निर्माण कर दिया गया था। मृग धारा के बगल में ही गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में अंकित लघु अभिलेख है जो गुप्तकालीन तीर्थ यात्रियों ने लिखवाए थे। मृग धारा के घनों जंगलों में रही भैया से पूछते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा जंगल में, ऐसे जंगलों में। अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस है रही मृग धारा के जंगलों में। देखिए कितना खतरनाक, कितनी खतरनाक बात है, वहाँ से लोग आए हुए थे और पहाड़ देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं। अंदर जाओ, कहीं से निकालो, क्या है कहीं रास्ता है कि नहीं है? है पूरी है। अब हम लोग जा रहे हैं मैंडुक भैरव, पन्ना दरवाज़ा, रीवा दरवाज़ा देखने यहाँ पर यहाँ पर अभी कोई दिखाई नहीं रहा, सिर्फ हम ही लोग चल रहे हैं। सुबह 10 बजे से हाँ 3 बजे तक हो गए हमें लगातार चलते हुए पैदल। आप समझ सकते हैं हम लोग ने कितनी देर पैदल चली, और अभी भी हम यहाँ पर, हमारे पास 3 घंटे अभी और हैं, लगभग हम 6 बजे तक यहाँ पर जितना घूम सकते हैं घूमेंगे। तो कैसा लग रहा है शिवम? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे एक दिन में घूमना नामुमकिन है, क्योंकि इतनी सारी जगह है, इतनी दूर दूर है, ये पूरा शहर ही बसा है यहाँ पर। आपको घूमने में बहुत मजा आएगा। सबसे अच्छा मृग धारा नीलकंठेश्वर मंदिर अभी तो लगे हैं, आगे दिखाएंगे अभी और भी अच्छे अच्छे हैं। चले जा रहे हैं बियावान रास्ते में सुनसान, इतना बड़ा है, कोई नहीं यहाँ पर, सिर्फ मैं और शिवम ही हैं। चल रहे हैं हम लोग, बस हम लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे जाएगा ये रास्ता, इतना खतरनाक जंगल है यहाँ पे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक किला नहीं, इस किले के अंदर कई किले हैं। हम लोग अभी एक घने जंगल में पता नहीं कहाँ चलते चले जा रहे हैं, पता भी नहीं, और यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कहीं भी, बस चलते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं आगे क्या है। भाई थोड़ी दूर तक और जाके देखेंगे आगे कुछ है कि नहीं। ये खाली किला नहीं है, ये किले के अंदर किले है, इसके अंदर और भी बहुत सारे किले हैं। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है ये, मतलब एक कह सकते हैं पूरा एक प्रकार का शहर जैसा शहर है उस जमाने का। तीन चीज़ें लिखी हैं इस साइड, कोई नहीं आया होगा, फिर उस घूम को सी फिर ना जाएंगे अब इसके आगे। कितना खतरनाक रास्ता, मतलब यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। अब हम आगे थोड़ा सा बस जाएंगे फिर लौट आएंगे, अगर कुछ ना मिला तो। यहाँ पे ये दिख तो रही हैं खाइयाँ, अब हम लोग लौट के जा रहे हैं। यहाँ के कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है आगे, रास्ता पता नहीं कहाँ चलता चला जा रहा है, सुनसान जंगल है वो, खतरनाक। हम चलते चले जा रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा ना हो हम लोग कहीं और पहुँच जाएं।